हेलो दोस्तों, आज हम बात करा रहे हैं उत्तराखंड की भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो लगभग आपकी UPSC के द्वारा पोस्ट निकाली जानी है 23 विभागों के, उन भर्ती प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव हो सकता है। CM ने यहाँ जो है क्या कहा है उसके संदर्भ में हम आपको बताने वाले हैं इसमें, क्योंकि एक बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जल्द जल्द निकलने वाले हैं। इसका कैलेंडर जो है लगभग एक सप्ताह के बीच में आपको निकल जाएगा, और एक बार फिर से आपके नए आवेदन शुरू होने हैं सभी के लिए। और इसमें जो उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी होंगे उसको यहाँ पर बताया गया कि ओवर एज होने की चिंतित यहाँ पर हैं, और इसी वजह से हम सरकार इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक बात कही गई। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर खुद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस संबंध में कहा कि वो जो है भर्ती प्रक्रियाओं में सभी पहलुओं पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, तो सभी पहलुओं पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसके चलते यहाँ पर जो है जिनकी उम्र की सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी सरकार कुछ भी जो है कुछ राहत भरी जो है खबर जल्द दे सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार अब यहाँ पर जिनकी ओवर एज हो चुकी है उनको यहाँ पर मौका दे सकती है, क्योंकि अब आपके लिए सभी फॉर्म खुलने वाले हैं सभी के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर ओवर एज हो चुकी जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कभी काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ भी नहीं आ रखी उत्तराखंड में, एक दो साल हो चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ पर आपके नए फॉर्म जो आपके होने हैं 2300 जो विभागों के अलग अलग फॉर्म है, 7,000 पदों की वैकेंसीज, तो नए सिरे से होने पर जो है अब उन सभी को अभ्यर्थियों को ओवर एज हो चुके हैं उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ये CM धामी ने कहा है, और इस पर जो है विचार चल रखा है, जल्द इस पर जो है फैसला लिया जा सकेगा। बाकी जो नए सिरे से भर्ती होंगी लगभग वो 7,000 पदों की वैकेंसीज भरनी है। और वहीं यहाँ पर STM ने अब तक जो है 39 जो अभ्यर्थी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं योग्यता परीक्षा के। तो ये फैसला हो सकता है बड़ा फैसला, जिस पर ओवर एज कैंडिडेट जो फिर से यहाँ पर एक मौका मिल सकता है।